आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस सुशासन का दावा करते हैं, जिस सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वो अब तार तार हो चुका है। अब आपसे आप थक गए हैं, आपसे संभल नहीं रहा बिहार। जब राजनेताओं के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो बिहार में भगवान भरोसे हैं। मुकेश सहनी से मुलाकात करने कई सारे नेता गए, पप्पू यादव भी गए, क्या तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं? भाई सब लोग जा रहे हैं, हम लोग के साथ हैं रोज। कल भी बात हुई है, इसमें कहाँ कोई राजनीतिक विरोध और ये अलग है। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अपराधी किसी बहाने बक्से नहीं जाएंगे। तो क्या किए, तो कैसेट बजाने से क्या होगा? लोगों की जाने जा रही है, उनके परिवार से आंख मिलाकर देखे तब पता चलेगा। जब घटना हो जाता है, किसी की जाने चली जाती है, तब कहते हैं कि कार्रवाई होगी, बक्से नहीं जाएंगे। ये कैसेट बजाने से तो जिनकी जान चली गई वो तो वापस नहीं आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार में सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन हत्याएं लगातार बढ़ रही है। कल ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृदुला तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता से। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार बिहार में हत्याएं बढ़ रही है? देखिए, बिहार अपराधियों के तांडव से कराह रहा है। अब कौन कहाँ किसे कब गोली मार दे, किनकी किसकी जान ले ले, ये कोई नहीं जानता। वो जो पुलिस का वर्दी का खौफ होता है, रौब होता है, वो समाप्त हो गया। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त है। और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, इससे निजात दिलाने में सरकार सक्षम नहीं है। तो सरकार को एक मिनट भी रहने का नैतिक बल नहीं है, जिस तरह लोगों की जाने जा रही है। कल मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे, जब राजनेताओं के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो बिहार में भगवान भरोसे हैं। आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस सुशासन का दावा करते हैं, जिस सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वो अब तार तार हो चुका है। अब आपसे आप थक गए हैं, आपसे संभल नहीं रहा बिहार। आप बिहार की जनता को अब बकस दीजिए। मुकेश सहनी से मुलाकात करने कई सारे नेता गए, पप्पू यादव भी गए, क्या तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं? भाई सब लोग जा रहे हैं, हम लोग के साथ हैं रोज। कल भी बात हुई है, इसमें कहाँ कोई राजनीतिक विरोध और ये अलग है। लेकिन राजनीति में हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ लोग खड़े रहते हैं, ये हमारा संस्कार। बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, क्या मुद्दा? तो बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी सवालों की बौछार से सत्ता पक्ष को घेरेंगे, सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कई मुद्दे हैं जनता के हित के, इस पर सरकार से सवाल होगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अपराधी किसी बहाने बक्से नहीं जाएंगे। फिर तो क्या किए, तो कैसेट बजाने से क्या होगा? लोगों की जाने जा रही है, उनके परिवार से आंख मिलाकर देखे तब पता चलेगा। अपराध हो क्यों रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, इस पर जवाब देना पड़ेगा। अपराध जब घटना हो जाता है, किसी की जाने चली जाती है, तब कहते हैं कि कार्रवाई होगी, बक्से नहीं जाएंगे। ये कैसेट बजाने से तो जिनकी जान चली गई वो तो वापस नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। तुम्हारे से बातचीत कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी की प्रवक्ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी जो है चिंता का विषय है, और साथ ही साथ बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर के भी हमने सवाल के साफ तौर पर कहा जो तो उसमें आवाज़ उठाएंगे तेजस्वी यादव, सवाल की बोछार खड़ा कर देंगे। और वे कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुने थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट पर बातें दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।